रूट ये देखो, ये मशीन है कटिंग करने वाली, बेसिकली अभी चल रही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये डूड फिर से स्वागत है एक प्यारे से नए ब्लॉग में गाइस। और आज का ब्लॉग फिर से शॉप से स्टार्ट होने वाला है। एंड डूड अभी शॉप की क्लीनिंग नहीं हुई है, एंड शटर भी देख सकते हैं आप, पूरी आप बंद है। एंड यहाँ से मैं निकल के आया हूँ नीचे से, रीजन ये है क्योंकि मैंने अभी पूरी शटर इसलिए नहीं खोली क्योंकि आज सैटरडे सॉरी ट्यूजडे है, तो मंगलवार को जाते हैं बेसिकली मंदिर। तो पहले मंदिर चलते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, फिर इसके बाद आज की दुकानदारी स्टार्ट करते हैं। डूड यार बेसिकली मुंह में बहुत छाले हो गए हैं, तो यार बात करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं गाइस। चलो चलते हैं मंदिर। माल उठा दी हुई तो बेसिकली फूल वगैरह ले लिए यार गाइस, अभी तो मंदिर पे चलते हैं। बेसिकली बस आ गई है अभी, तो पुपी जी को पहले नीचे उतारते हैं, उसके बाद ब्लॉगिंग शूट की जाएगी। हरिओम। तो गाइस पुपी जी को घर पे ले आए हैं, एंड यहाँ पर घर पे छोड़ने के बाद जा रहे हैं। यार घर पे मैं पिंजरा लगा कर गया था बिकॉज यार ये चूहा परेशान कर रहा था बहुत ज़्यादा। ये भाई साहब पकड़ में आ गए हमारे। अब ये सोच रहे होंगे कि इनकी मौत आ चुकी है, बट हम इनको मारेंगे नहीं, ऐसे ही पकड़ के छोड़ देंगे। है बॉस, अपने टीथ दिखाओ। ये जाल में फंस गए हैं बेचारे, तो इनको यहाँ से थोड़ा सा दूर छोड़ते हैं जिससे कि ये अपनी ज़िंदगी अच्छे से सरवाइव कर पाएँ और हमें दोबारा परेशान ना करें। इसलिए हम जा रहे हैं डायरेक्टली बहुत दूर छोड़ने के लिए। गाइस बेसिकली अभी मुझे एयरटेल की सिम पोर्ट करानी थी जियो में, अभी हम शॉप पर आए थे एंड अजय भाई की शॉप है ये लोकेटेड पर से यार, मतलब बाईपास पे। बहुत तेज़ धूप रखी यार, मतलब चारों तरफ देखो पूरा रोड सुनसान है भाई। आ कर देना एयरपोर्ट मेरे, डाल दो डालो देखो सामने। ठीक है गाइस, तो अभी प्रेजेंट है कोचिंग में और संस्कार बॉस। हाय बॉस। और इन लोगों की हुई छुट्टी बेसिकली, तो देखो बैग पैक कर लिए सभी ने। कहाँ जाना है तुम्हें? घर पे। तुम्हें जाना है घर पे? चलो ठीक, चलो चलते हैं घर पे सभी लोग। हे गाइस, तो यार शॉप क्लोज करने के बाद और मंदिर अंदर की आरती हो गई थी बेसिकली, तो डूड अभी डायरेक्टली मैं यहाँ पर आया हूँ घर पे। और ये आ रहे हैं पीछे वाले रास्ते से, सीधा घर के लिए निकल रहा है। एंड डूड काफ़ी अंधेरा है यार, मतलब यहाँ पे ये देख सकते हैं गाइस, मतलब कितना डेंजर लग रहा है यार। मतलब यहाँ पे तो इतना बेकार लग रहा है ना, पीछे देखो कितना खंडर है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, देखो पूरे में खंडर खंडर पड़ा है यार। ये हॉन्टेड प्लेस हो सकता है। तो अभी बेसिकली हम जा रहे थे
मैंने कहा घर पे पहुंचते हैं तो देखते हैं क्या सीन बनेगा। तो गाइस अभी जा रहे, देख सकते हैं आप चारों तरफ यार कबाड़ी कबाड़ रखा हुआ है, ये देखिए आप चारों तरफ कबाड़ी कबाड़ है। और अभी सीधे 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 निकलना है और अपनी कुंडी ओपन करेंगे डायरेक्टली। अरे यार कौन ये बच्चा पार्टी यार, तुम लोग डरा रहे हो यार, यहाँ कहाँ छुपे थे तुम लोग? हम लोग ऐसे खेल रहे थे, आपके बच्चे देख रहे थे, आप उधर से आ रहे थे। अरे यार मतलब हम लोगों को पता चला, हम लोग आए, इतना टाइट डलाओगे यार तुम लोग। ये बच्चा पार्टी मुझे, तुम्हें कैसे पता था हम आने वाले यहाँ पे? हम लोग देखो वैसे घोष्ट लग रहे हैं, इसलिए छिप गए थे मुझे डराने के लिए। अचानक आए ना, बताते हैं कल हम छिपेंगे, आप आना यहाँ से। हाँ ठीक है, लोग मतलब डराने के लिए छिप गए थे। वाह वाह वाह, वेरी गुड। अमावस्या की रात है तो काफी, लेकिन आई डोंट बिलीव इन गॉड। अच्छा, और यू कैन बिलीव इट? नो, व्हाई आर यू नॉट बिलीव? व्हाई? क्योंकि साइंस नहीं है। अच्छा साइंस नहीं मानती है? क्या कर रहा है? अरे गिर जाएगा, क्या कर रहा है? अरे गिर जाएगा भाई। एंड देखो ये ड्रामे इस्माइल लड़की दिख रही है पागल। एंड आई बिलीव इन गॉड। या यू आर राइट। ओके दोस्त, तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है आज, है ना? इसीलिए हम लोग मस्ती के मूड में हैं सारे के सारे। हवा चल रही है इसलिए मस्ती कर रहे हो? डराने के लिए मस्ती कर रहे हैं। हमें डराने के लिए? वाह वाह भाई साहब, वाह वाह भाई साहब, वाह वाह भाई साहब, वाह। बहुत जोर से हवा चल रही है यार, मतलब पीछे का लुक लाइक दिखाएंगे हम लोग। ये देखो गाइस कितना मतलब नीम का पेड़ बहुत ज्यादा हिल रहा है यार, हवा चल रही है। ये भाई क्यों है भैया? दिख नहीं रहा होगा यार वो, कि राइट नाइट है ना तो दिख नहीं रहा, वो लाइट जल रही है। ये थे बॉस, वो डराने वाले भाई साहब। ये प्लान किसका था ये बता? प्लान किसका था? किसका था? इसका था ये प्लान? किसका था? ये कह रहा था किसका? क्या बताऊंगा उनका। ये देखो